ये फ्रिज चेक करने आए थे, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो गैस की प्रॉब्लम आ रही है, कूलिंग नहीं कर रही। जब हमने आके चेक करा तो इसके अंदर गैस की प्रॉब्लम थी दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों ये बताने वाला हूँ पूरी तसल्ली से और स्टेप बाय स्टेप आपको फ्रिज में गैस कैसे चार्ज करना है। पहला स्टेप तो आपका यही है कि फ्रिज चला के देख लेना है चल रहा है या नहीं चल रहा। उसके बाद आपको लीकेज ढूंढनी है, जैसे कि हमें लीकेज यहाँ पर मिल चुकी है, जहाँ पर ऑयल आता है समझ लो दोस्तों वहाँ से लीकेज है। ऑयल वगैरह हमेशा जॉइंट के पास से ही आते हैं, मोस्टली फ्रिज जो लीक होते हैं वो जॉइंट पे से लीक होते हैं, ये कैपिलरी के पास से, ये फिल्टर के पास से, या कंप्रेसर के ये जो जॉइंट है इनमें से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो आपका स्टेप आता है कैपिलरी काटना है और कैपिलरी में से जो एयर निकलेगी उसे देखना है। अगर वो एयर प्रेशर के साथ स्पीड में निकल रही है तो आपकी कैपिलरी लाइन ठीक है, अगर कैपिलरी लाइन में से हल्की हल्की प्रेशर निकल रही है वो ब्लॉक हो रही है तो दोस्तों गैस डालोगे तो गैस आपकी चोक हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आपको कैपिलरी भी चेंज करनी पड़ सकती है या आप CTC से फ्लैशिंग मार के भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। कैपिलरी का ध्यान रखना है। उसके बाद आपका काम आता है ये फ़िल्टर काट लेना जो के कंडेंसर के साथ लगा रहता है। फ़िल्टर कॉपर का होता है और कंडेंसर लोहे का होता है, तो इसलिए इसे अच्छे से आपको घिस लेना है। इसको घिसोगे नहीं तो अच्छे से टाँका नहीं लगेगा दोस्तों, तो इसे बिल्कुल ही चमका लेना है, या रेगमाल का यूज़ कर सकते हो या रेती का। ये आरी के ब्लेड से हम इसे इसलिए काट रहे हैं, ये चार्जिंग लाइन है, यहाँ से हम गैस डालेंगे इसके अंदर दोस्तों। ये पंच था इसलिए हमने हल्का सा काट कर इसे, और इसके अंदर आप पिन वाल लगा लेंगे। पिन वाल लगाने से पहले दोस्तों आपको पिन इसके अंदर से पिन निकाल लेनी है, अगर आप पिन नहीं निकालते हो तो पिन जल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा लीकेज था दोस्तों, जो हमें लीकेज मिला था मैंने आपको दिखाया था, उस पर आपको अच्छे से ब्रेजिंग कर लेनी है। ब्रेजिंग करते समय याद रखना है पाइप बिल्कुल लाल हो जाए, उसके बाद आपको वेल्डिंग रोड लगानी है। अगर आप पहले ही वेल्डिंग रोड लगाओगे तो वो अच्छे से टाँका नहीं पकड़ेगा, वो चिपकेगा बार बार, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो फ्लैशिंग का। फ्लैशिंग आपको अच्छे से मानना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लैशिंग आपने अच्छे से नहीं करी, कचरा वचरा रह गया तो आपका फ्रिज चोक हो सकता है। तो इसलिए आपको कंडेंसर पर अच्छे से हीट मार लेनी है और मशीन फ्रिज को चालू ही रखना है और फ्लैशिंग मारते रहना है, ठीक है। फ्लैशिंग कम्प्लीट होने के बाद आपको एक बार एक एंटीमॉक्स पिला देना है और कैपिलरी की स्पीड चेक कर लेनी है कि वो अच्छे से पी रहा है या नहीं पी रहा, आपको पता चल जाएगा। अगर कंप्रेसर के अंदर भी प्रॉब्लम होगी जब भी पता चल जाएगा, अच्छे से शक नहीं कर पाएगा एंटीमॉक्स को, तो इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। जब कैपिलरी एंटीमॉक्स वगैरह पिलाने के बाद, उसके बाद आपको फ़िल्टर लगाना है दोस्तों याद से। फ़िल्टर लगाते समय आपको लोहे वाला पाइप जो होता है ये हमेशा फ्लक्स का यूज़ करोगे तो अच्छे से टाँका लग जाएगा, वरना ये बार बार परेशान करेगा। कॉपर और लोहे में जब भी टाँका लगाओ तो फ्लक्स का यूज़ करना है कंपलसरी है, ठीक है दोस्तों, वरना टाँका अच्छे से नहीं लगेगा, आप मारते जाओगे परेशान हो जाओगे। हमने कंडेंसर को जोड़ लिया है फ़िल्टर के साथ, अब कैपिलरी लाइन को जोड़ेंगे। कैपिलरी लाइन को एक इंच अंदर घुसा देना है, थोड़ा बहुत बाहर मत निकाल के रखना दोस्तों, ज़रा बहुत भी नहीं घुसाना है, क्योंकि जब आप टाँका लगाओगे वो हिल जाएगा तो ब्लॉक हो सकता है, इसलिए एक इंच कम से कम आपको अंदर घुसाना है और आराम से टाँका लगाओ। ये सारा काम हो चुका है, टाँका वाँका लग चुका है दोस्तों। अब जो हमारा काम है ये पिन को कस लेना है, पिन होल के अंदर जो पिन होल थी जो हमने पहले खोल के निकाला था उसे कस लेना है। उसके बाद इसके अंदर मैं तो 150 PSI प्रेशर डालता हूँ और 120 PSI, इसके अकॉर्डिंग मैं अपना लीकेज वगैरह टेस्ट करता हूँ दोस्तों। कभी कभी माइनर लीकेज जो होती है वो 50 PSI पे नहीं बोलती, तो इसलिए मैं 150 PSI ही प्रेशर डालता हूँ। और झाग की मदद से आपको सारे जॉइंटों को चेक कर लेनी है बारीकी से, क्योंकि फ्रिज के अंदर जो हम काम करते हैं या AC के अंदर लीकेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर लीकेज आपने ढूंढ ली और बंद कर ली तो आपका काम हो गया, अगर आपने रिपेयर भी कर दिया लीकेज नहीं ढूंढ पाए और ना ही बंद कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं, रिपीट आ जाएगी, आप परेशान हो गए बार बार। तो लीकेज को अच्छे से चेक कर लेना दोस्तों। इसके बाद जो प्रोसेस है लीकेज टेस्ट करने के बाद आपको इसके अंदर जो प्रेशर था उसे रिलीज़ कर देना है, उड़ा देना है। प्रेशर उड़ाने के बाद आपको इसे वैक्यूम पे लगाना है। वैक्यूम पे 15 से 20 मिनट आप लगा के छोड़ दो, वैक्यूम हो जाएगी, उसके बाद आपका काम शुरू होगा गैस चार्जिंग का। तो वैक्यूम का ध्यान रखना है दोस्तों, अगर नमी वगैरह वाला एरिया है आपका, अगर ठंडे मौसम में बरसात के मौसम में आप डाल ले हो गैस
तो वैक्यूम करते करते कंडेंसर पे और अंदर फ्रीजर पे हीट मार लेना आप, ताकि फ्रिज के अंदर जो भी मॉइस्चर होगी वो निकल जाएगी। तो वैक्यूम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम वैक्यूम तोड़ लें, गैस के सिलेंडर से तोड़ना शुरू करेंगे। ये गैस का सिलेंडर हमने लगा लिया है, इसमें R134 गैस डलनी है। तो पहले एक छोटा सा झटका मार कर इसकी वैक्यूम तोड़ेंगे। वैक्यूम तोड़ने से पहले जो लाइन में एयर चली गई थी उस एयर को निकाल देंगे दोस्तों। एयर निकालने के बाद ये हमने वैक्यूम तोड़ दिया है दोस्तों, अब फ्रिज चलाना शुरू कर दिया है। अब ये फ्रिज का स्विच ऑन कर दिया है, अब फ्रिज चलना चालू हो चुका है। आप देख सकते हो सुई नीचे घटने लगी है, नीचे की तरफ सुई भागेगी आप जब गैस डालोगे फ्रिज ऑन करते ही। उसके बाद आपको ये कंडेंसर छू कर देखना है, अगर कंडेंसर हीट होने लगा तो आपका काम कंप्लीट होने ही वाला है। मतलब अच्छे से जाली हीट करने लगे दोस्तों तो समझ लो गैस पूरी हो चुकी है। वैसे आप मीटर से देख के डाल सकते हो या बाय वेट डाल सकते हो, हमारा काम तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमने तकरीबन 10 PSI प्रेशर छोड़ दिया है, बैक प्रेशर, और ये फ्रिज अच्छे से काम कर रहा है। अब इसी तरीके को आप फॉलो करके ईज़िली आप फ्रिज में गैस डाल सकते हो दोस्तों।